सर्वधर्म समभाव के प्रतीक हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह का 101वां सालाना उर्स शुरू हो चुका है। परचम कुशाई से उत्सव की शुरुआत हो गई है। भारी संख्या में देश विदेश से जायरीन जियारत के लिए बाबा ताजुद्दीन औलिया के दरबार में आते हैं। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह का 101वां सालाना उर्स जिसका आगाज़ हो चुका है, पंचम कुशाई से इसका आगाज़ हो चुका है। उर्स के लिए जो है देश विदेश से यहाँ जायरीन आते हैं। बाबा के दरगाह में जायरीन अपनी जियारत लेकर यहाँ आते हैं और बड़ी संख्या में इस साल भी जायरीन जो है देश विदेश से यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके लिए जो है उर्स की तैयारियाँ भी पूरी हो चुकी है। लंगर यहाँ जायरीनों के लिए जो है बाहर गाँव से जो लोग आते हैं उनके लिए किया गया है। हम जानते हैं कि किस तरह से इस साल के उर्स पर कौन से कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे जो जायरीन आए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं, चलिए मेरे साथ। नागपुर सियासत के साथ ही धार्मिक गतिविधियों का भी केंद्र है, जहाँ हिंदू मुस्लिम और सर्वधर्म समभाव के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। उनमें से ही एक है बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह का उर्स शरीफ महोत्सव, जहाँ सिर्फ शहर से ही नहीं तो आसपास के सभी गांव, इतना ही नहीं तो विदेशों से भी जाहिरीन अपने दुखड़े लेकर नागपुर के ताजबाग में आते हैं, जहां ताजुलवरा की रहमतों से झूमते हुए जायरीन अपनी खुशी जाहिर करते हैं। हमारे साथ कुछ जायरीन यहां पे हैं, उनसे हम जानते हैं वो कहां से आए हैं। सबसे पहले बताइए आप कहां से आए हो और कब से यहां आ रहे हो। मैं इंदौर मध्य प्रदेश खजराना से आया हूं, आज ही सुबह आया हूं। बाकी यहाँ बहुत ही अलग निराला दिख रहा है, बहुत देख कर बहुत खुश हो रहा है। ये बहुत बाबा ताजुद्दीन में रोज का हर दिन यहाँ पे अलग से अलग तरक्की हो रही है और ऐसा लगता है जैसे जन्नत से हूर परी खुद उतार कर आ रहा है। आप अगर रात की मंजर देखोगे तो सुभान अल्लाह क्या प्यारा लगता है, जैसा मालूम होता है जो बाबा ताज छोड़ के कहीं नहीं जाओ। हम बाहर से हर साल बाबा ताज में आते हैं और इनकी दुआ बहुत, इनकी करिश्मा बहुत है। ये अब जब रास्ता से बाबा ताजुद्दीन औलिया जा रहे थे तो एक कुत्ता पड़ा हुआ था, तो उनने कहा ये कुत्ता ने देखा, बोले क्या है, तो उनने एक लात मारा तो कुत्ता उठ के चल दिया। सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया की ऐसा बहुत करिश्मा है और आज लोग पूरा हिंदुस्तान से बाबा ताजुद्दीन की दरबार की दीदार करने के लिए और यहाँ हर तमन्ना दिल की मुराद पूरा होता है और रोज का रोज यहाँ पे तरक्की हो रही है और जो भी यहाँ देखभाल कर रहा है उसको मालिक कुक दिखाए और उसको कुक दे। और बाबा ताज में आज आप रात को देखिए जैसे चमन हो गया है, जैसे जन्नत से हूर परी यहाँ पे नच रहा है बाबा ताज के अंदर। हमारे साथ और भी जायरीन हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो कहाँ से आए, कब से आ रहे हैं बाबा के इस दरगाह में, चलिए मेरे साथ। अवेश खान महाराष्ट्र के वर्धा जिले से आया हूँ, बहुत काफ़ी अच्छी तरक्की देख के अब गर्व महसूस कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता जनाब नितिन जी गडकरी साहब और लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनके अथक प्रयासों से ताजबाग शरीफ का विकास किया गया है। इस ताजबाग शरीफ को दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष जनाब तारे खान साहब अच्छे सुचारू तरीके से कार्य संभाल रहे। मैं आने वाले सभी जायरीन हजरात को उर्स की मुबारकबाद देता हूँ और आपके चैनल से दरगाह का विकास आप बताएं ऐसे आपसे विनंती करता हूँ। जिस तरह से दरगाह परिसर का विकास तो हो ही रहा है, साथ ही साल पिछले साल 100वां उर्स मनाया गया, इस साल 101वां उर्स है और आप देख पा रहे हो कि तैयारियां जो है यहाँ रोशनाई जो है किस तरह से की गई है, बहुत ही अनोखी यहाँ पे जो है सजावट की गई है, साथ ही साथ जो जायरीन आ रहे हैं उनकी भी व्यवस्था यहाँ की गई है, लंगर की व्यवस्था यहाँ है। साथ ही साथ यहाँ इस साल जो है 101वां उर्स है, आप कहाँ से आए हो? MP जी, पहली बार। एक नंबर है, क्या है, ख्वाजा साहब का बोला हुआ था, आ गए हम लोग। अकोला से आए हम, दो चार बार आए, ये बार भी आए हम बाबा की मुलाकात के वास्ते, तो दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। तो
राज्य के बाहर से लोग आए हैं, राज्य से भी लोग आए हैं, देश विदेश से, जैसे कि हमने आपको बताया, जायरीन यहाँ अपने जियारत लेकर आते हैं, दर्शन करते हैं और वापस चले जाते हैं अगले साल के उर्स की राह में। तो हमने देखा कि कई दूर दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं, बाबा की जो चमत्कारिक उनकी जो भी चमत्कार उनके थे वो भी वो बयां कर रहे हैं, किस तरह से बाबा ने चमत्कार किए थे। और पूरा जो यहाँ का माहौल है पूरा ही धार्मिक है। 15 दिन जो है ये उर्स के विविध कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन किया गया है। अब हम लंगर का आयोजन किया गया है, बड़ी संख्या में यहाँ लोग जो है पहुँच रहे हैं। सालों साल बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार की खिदमत में अपनी उम्र बिताने वाले खादिम इस मौके पर खुद को खुश नसीब समझते हैं, क्योंकि बाबा की रहमतों की बरसात में नहाना सभी की किस्मत की बात नहीं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि ये जो बग्गी दिखाई दे रही है आपको दर्शकों, ये वही बग्गी है जिसमें बाबा सवारी करते थे। हमारे साथ यहाँ के खादिम हैं, हम उनसे जानते हैं, अधिक जानकारी जो है हम उनसे जानते हैं। रहमतुद्दीन ताजी खादिम बारगाह सरकार ताजुल औलिया, और ये 101वां हुजूर का सालाना उर्स है। इस उर्स के मौके पर जितने तमाम जायरीन हजरात हुजूर की बारगाह में आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और ये जो बग्गी आप देख रहे हैं, ये हुजूर सरकार ताजुल औलिया की बग्गी है जिसमें सरकार ताजुल औलिया सवारी किया करते थे, और इस बग्गी को हीरा कोचवान साहब चलाया करते थे। राजा रघुजीराव भोसले ने सरकार ताजुल औलिया की खिदमत में ये बग्गी पेश किए थे, और सरकार इसी के अंदर जो है शहर का गश्त किया करते थे। 101वां इस साल का उर्स है, किस तरह के यहाँ पे आयोजन किए गए हैं कार्यक्रमों के, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु जो है जायरीन यहाँ आए हैं, क्या बताओ? जी देखिए, यहाँ पर सरकार के उर्स में तो पूरे हिंदुस्तान भर से जायरीन जो है हुजूर की बारगाह में आते हैं और हुजूर के फैज़ से फैजियाब होते हैं। और हुजूर की बारगाह में जो हर साल की तरह जो रस्मात अंजाम दी जाती है, उसी तरह से रस्मात अंजाम दी जाएंगी इस साल भी। जैसे कि 22 मुहर्रम अल हराम हुजूर का शाही परचम हुआ, और 26 मुहर्रम अल हराम को सरकार का शाही संदल रहेगा, उसी तरह से 25 मुहर्रम अल हराम को सुबह फजर में हुजूर का जन्नती दरवाज़ा खोला जाएगा। 27 मुहर्रम अल हराम सुबह 9 बजे हुजूर का छोटा कुल शरीफ, और 29 मुहर्रम अल हराम को सरकार का बड़ा कुल शरीफ होगा और उसका इख्तिताम होगा। उसके बाद हुजूर का जो मेला है वो अल्हम्दुलिल्लाह महीने भर तक हुजूर का मेला चलता रहेगा। हमने देखा कि किस तरह से 15 दिन कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसके बाद जो है मेले का भी आयोजन होगा जो एक महीने भर चलेगा। गौरतलब है कि ताजबाग क्षेत्र में 30 मजारे मौजूद है जहां उर्स के दौरान जायरीन इन मजारों पर माथा टेकते हैं। ताजबाग दरगाह परिसर में यहाँ पे कुल मिलाकर 30 अन्य ऐसी मजारे हैं जहाँ उर्स के दौरान जायरीनों का आना जाना लगा रहता है। हमारे साथ खादिम जी हैं, उनसे हम जानते हैं कि अन्य 30 मजारे जो है उनकी भी इस दौरान जो है यहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम रहते हैं, किस तरह से? सब है, सब जगह कार्यक्रम होता है, यहाँ पर भी कार्यक्रम है, ये मजार में भी कार्यक्रम, हर मजार में कार्यक्रम होता है। अभी यहाँ से संदल निकलने वाला है। तो जैसे कि उर्स के दौरान जो है पूरे 15 दिन यहाँ का वातावरण जो है पूरा ही धार्मिक रहता है, और इस दौरान जो है हर जगह जो है विविध कार्यक्रम होते हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ से संदल भी निकलने वाला है, ऐसा खादिम जी ने हमें बताया। बाबा का उर्स किसी त्योहार से कम नहीं होता, जहाँ जायरीन अपनी खुशी को जाहिर करते हुए कव्वालियाँ गाते हैं जिससे ताजबाग परिसर प्रसन्न हो उठता है। बाबा के सालाना उर्स में यहाँ विविध धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, कई दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ पे जो है पूरा माहौल जो होता है भक्तिमय होता है। कई कव्वालियाँ जो है बाबा के बाबा की कव्वालियाँ यहाँ जो है गाई जाती है, ऐसे ही कुछ लोग यहाँ कव्वाली जो है गा रहे हैं, हम उनसे सुनते हैं बाबा की कुछ कव्वाली। ताजवाले, 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 ताजवाले,
रहते रजारी बाबा लंगर रहते बाबा लंगर
हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह उर्स शरीफ के इस भव्य आयोजन के दौरान चार चौबंद व्यवस्था की गई है, जहां सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम के तौर पर 350 पुलिस कर्मचारी तो वही 150 महिला कर्मचारी साथ ही साथ 50 पुलिस अधिकारी बंदोबस्त में तैनात है। ताजुद्दीन बाबा का 101वां उर्स है, जो बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो उस हिसाब से हमने बहुत ही सतर्क ऐसी पुलिस व्यवस्था रखी है। 400 अधिक कर्मचारी और 50 अधिकारी का बंदोबस्त है। तो जितने भी 8 गेट है, 8 गेट में बंदोबस्त लगा है। महिला के लिए अलग से बंदोबस्त लगा है, मेला लगा है उसके लिए अलग से बंदोबस्त लगा है। जो पूरा एरिया है, एरिया में भी पूरा पुलिस बंदोबस्त है, रास्ते में पूरा पुलिस बंदोबस्त है। इस पुलिस बंदोबस्त में जो है मोबाइल चोरी या और कोई भी छोटी मोटी चोरी है उन पर हमारे उस पर कंट्रोल करने के लिए हमने जो है सादे पोशाक में भी पुलिस लगाया है हमने। और अभी तक ऐसी कोई अनुचित घटना हुई नहीं, ना ही कोई ऐसे मोबाइल चोरी गया ज़्यादा। और 10 दिन का बहुत बड़ा प्रोग्राम था परचम का, तो उसमें भी ऐसे कुछ अनुचित घटना नहीं हुई। अभी 14 तारीख को शाही संदल का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो उसके बंदोबस्त की तैयारी चालू है। BDS चेकिंग बार बार हो रहा है और इस प्रकार से हमारा पुलिस बंदोबस्त अलर्ट है। हमारे पास अभी 350 पुरुष और 150 महिला है, इतने कर्मचारी है और 50 जो है अधिकारी हैं। 8 है पुलिस इंस्पेक्टर दर्जे के हैं, खुद DCP साहब, ACP साहब, खुद रीजन साहब यहाँ पे आके बार बार बंदोबस्त को मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे जो है कई जायरीन जो है देश विदेश से बाहर गांव से आ रहे हैं। बाबा ताज का जो है 101वां सालाना उर्स जो है उसका आगाज हो चुका है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आ रही हूँ। आज 10 सालों से मैं बाबा जान के यहाँ पे आ रही हूँ। बहुत कुछ मैंने पाया है और इतने लाखों में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत कुछ लोगों ने पाया है, बाबा ताज का करम है। और ख़ासकर हमारे यहाँ पे ये जो खड़े हैं इन लोगों, बहुत ज़्यादा सहयोग है इन लोगों का हमारे साथ में। हम लोगों को मतलब भीड़ को कंट्रोल करना और प्रशासन के भी तौर से बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी तैयारियाँ हैं। तो बस यही बोलूँगी कि ये आस्थाना सलामत रहे और हम हर साल आते रहें, हमारी हर दुआएँ कबूल हो। हमारे साथ साथ जितने भी लोग आ रहे हैं सबकी दुआएँ कबूल हों। हम अहमदाबाद से आए, इतना नाम सुना है ताजुद्दीन बाबा का, हर साल आने की उम्मीद रखते हम। ताजुद्दीन बाबा इतना अच्छा लंगर भी यहाँ पे खिलाते, इतना अच्छी सजावट है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। इतना हम 18 साल हुए हम यहाँ पे आए ले, 18 साल बाद हम आए, इतना बदल गया सब, इतना अच्छा लगता है। हर साल आने की कोशिश करेंगे, बुलाएंगे तो हम आएंगे इनके दरबार में। याद से आया हूँ गुजरात से, 1000 किलोमीटर का सफर रात का उजागर करके अभी सुधिक सूता भी नहीं, ताजुद्दीन बाबा का दीदार करने आया हूँ। हाँ, गए साल जो 100 साल पूरे हुए थे ताजुद्दीन बाबा के, उस वक्त मैं आ नहीं सका था और बहुत ज़्यादा जायरीन आए थे। और इंशाल्लाह ये साल मेरे को हुक्म हुआ तो मैं यहाँ ताजुद्दीन बाबा आ सका। और मैं मेरी कौम का प्रमुख हूँ और मेरे साथ मैं अकेला नहीं, कम से कम 300 इंसान बाबा की हाजिरी के लिए यहाँ आए हैं। और नडियाद खेड़ा गुजरात से हम आए लोग हैं और बाकी दूसरे हम अहमदाबाद के भी है, खेड़ा के भी है, कटलाल के है, सब खेड़ा जिला के और अहमदाबाद के मिल के है सब गुजरात की तरफ से। हाँ, और ये बहुत ही अच्छा आगे, बहुत ही अच्छा आनंद मिला, बहुत ही खुशी हुई। और हुक्म अगले साल भी ऐसा होगा कि हमको हर साल हमको ताजुद्दीन बाबा बुलावे ऐसे। और बहुत अच्छी सहूलत है और भी बहुत ही अच्छा है, लंगर खाना है, सजावट भी बहुत अच्छी है, शहर भी बहुत बढ़िया है, संतरे का जूस भी बहुत सस्ता है, हमारे यहाँ 70 रुपये का मिलता है, यहाँ सिर्फ 10 रुपये का मिलता है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, मैं 4 ग्लास पी गया आते ही, बहुत ही अच्छा। और हर साल आएंगे इंशाल्लाह। बाबा के दरगाह में जो है कई दूर से जो है यहाँ जायरीन आ रहे हैं, यहाँ सुकून जो है बाबा के दरबार में आके उन्हें मिल रहा है। कई कव्वालियों का भी गायन यहाँ शुरू है, इस तरह से पूरा माहौल जो है यहाँ का पूरा धार्मिक हो चुका है। और पूरे 15 दिन यहाँ इसी तरह के विविध कार्यक्रम यहाँ पे बने रहेंगे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।